दोस्तों कुछ लोग बहुत ही जोश के साथ अपना YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद वीडियो डाल डाल के थक जब जाते हैं तो लास्ट में हार मान के YouTube को छोड़ देते हैं, जो कि YouTube बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी क्रिएटर अगर YouTube पे अपना चैनल बना रहा है तो वो जो है YouTube को छोड़ के जाए। इसीलिए दोस्तों आपको YouTube यहाँ पे कुछ ऐसे टिप्स देता है कि अगर आपके वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं तो आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कि आपकी YouTube पे वीडियोस पे व्यूज बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों वो कौन सी चीजें हैं, चलिए आपको बताते हैं। मेरा नाम है नित्या और अभी आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से YouTube आपको कहता है कि अगर आपका कंटेंट नहीं चल रहा है, अगर आपके वीडियोस पे व्यूज नहीं जा रहे हैं तो कौन से वो काम है जो आपको करने चाहिए ताकि आपके वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिएगा, मेरे मोबाइल फोन में आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप जो है अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोज पे व्यूज जो है ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं। और दोस्तों इन सारी चीज़ों को अगर आप समझ जाते हैं, देख लेते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए दोस्तों, अभी जो है YouTube Creators India का जो है यहाँ पे ऑफिशियल Instagram खुला हुआ है। मैंने जो है दोस्तों यहाँ पे Instagram पे, Twitter पे, हर जगह जो है YouTube को फॉलो कर रखा है ताकि YouTube से जो भी अपडेट्स आएँ, YouTube जो भी चीज़ें हमें बता रहा है या सिखा रहा है, उन चीज़ों को समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप उन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि YouTube पे हमें काम किस तरीके से करना है। अब दोस्तों YouTube से अच्छा तो आपको कोई सजेशन नहीं दे सकता या नहीं बता सकता। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, 19 घंटे पहले देख सकते हैं कि 19 आवर पहले जो है YouTube ने आपके सामने यहाँ पे जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स रखे हैं डेट इन्फ्लुएंसर योर वीडियो व्यूज, मतलब कि वीडियो पे व्यूज बढ़ाने के जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो क्या है, किस तरीके से आप अपनी YouTube वीडियोस पे व्यूज बढ़ा सकते हो। सबसे पहले ये बताते हैं टॉपिक इंटरेस्ट, किस टाइप के टॉपिक। सम टॉपिक हैव अ ब्रॉडर ऑडियंस लाइक फुटबॉल मूवीज, मतलब कि कुछ जो टॉपिक्स होते हैं उनके बहुत बड़े जो है ऑडियंस होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको देखने वाले लोग होते हैं, जैसे कि फुटबॉल हो गया, मूवी हो गया, ETC हो गया, इस टाइप से रिलेटेड वीडियो जो है ज़्यादा यूट्यूब पे देखे जाते हैं, यूट्यूब ऐसा कह रहा है। उसके बाद वाइल अदर मे हैव नीच व्यूअर, मतलब कि और सारे कैटेगरी में जो है कम व्यूअर होते हैं, उसके मुकाबले इस कैटेगरी में ज़्यादा व्यूअर होते हैं। उसके बाद देखिए कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन के लिए क्या कह रहा है यूट्यूब, यहाँ पे कह रहा है इवन इफ़ योर चैनल मैट्रिक आर गुड, मतलब कि आपके चैनल का मैट्रिक जो है वो तो अच्छा दिखा रहा है, लेकिन यू मे गेट फेयर इम्प्रेशन इफ वीडियो फ्रॉम अदर चैनल आर परफॉर्मिंग इवन बेटर, मतलब कि आप जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं उस वीडियो के इम्प्रेशन कम जा रहे हैं और उसी टॉपिक पे कोई अदर चैनल वीडियो अपलोड कर रहा है तो उसके व्यूज़ यहाँ पे जो है ज़्यादा जा रहे हैं। ये जो है होता है कंपटीशन, YouTube पे ये चीज़ों को बता रहा है YouTube कि यहाँ पे जो है इन चीज़ों का कंपटीशन है। उसके बाद यहाँ पे सीजनलिटी, मतलब कि किस सीजन में कौन सी वीडियो चलती है, जैसे आपने देखा अभी IPL आया था तो IPL की काफ़ी ज़्यादा वीडियो चली, तो इसके लिए YouTube क्या कहता है, ट्रैफिक ऑन वीडियो कैन चेंज ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर डिपेंडिंग ऑन द रिवलेंस ऑफ द टॉपिक, मतलब कि YouTube वीडियो पे जो ट्रैफिक आता है, जो लोग आते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का सीज़न चल रहा है। जैसे कि अभी IPL का चल रहा था तो IPL वाले पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे, अभी अगर कोई नई चीज़ आएगी तो उस चीज़ पे जो है ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। तो ये YouTube आपको समझा रहा है कि किस तरीके से YouTube का जो है एल्गोरिथम यहाँ पे है। अब दूसरी चीज़ YouTube क्या बताना चाह रहा है, यहाँ पे YouTube आपको बताना चाह रहा है कि किस तरीके से आपके वीडियो पे यहाँ पे व्यूज़ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे पोस्ट जो है YouTube ने यहाँ पे किए हैं, ट्रेंडिंग वीडियोज़ आर कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट हैपनिंग, किस तरीके से ट्रेंडिंग वीडियोज़ चलती है। उसके बाद दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको ट्रेंडिंग का कुछ समझा देते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चीज़ YouTube क्या कहता है, वीडियो विथ हाईएस्ट व्यू काउंट में नॉट बी ट्रेंडिंग वन, मतलब कि जिस वीडियो पे हाईएस्ट व्यू काउंट मतलब ज़्यादा व्यूज़ होते हैं वो ट्रेंडिंग में कभी भी नहीं जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ अगर ट्रेंडिंग में अगर व्यूज जाएंगे तो ट्रेंडिंग में वीडियो चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों मुझे पता है कि आप सभी अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि आज के में अपने YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए कितना ज्यादा दिमाग लगता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा Mindset Book Summary, जिसे आप कुकू FM पे सुन सकते हैं, जो कि इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको 1000 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस मिल जाते हैं।
इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आप अपने माइंड एंड बॉडी को ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगे और भी अच्छे से आप काम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे इसका प्रीमियम लेने के लिए आपको प्रीमियम पे क्लिक करना है। ऐसे तो 399 का यहाँ पे आपको मिलता है, लेकिन मैंने जो यहाँ पे आपको कूपन कोड दिया है उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 199 रुपये में इसका सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी चीज की वीडियोज विथ मोर व्यूज में बिलो दोज विथ फ्योर व्यूज, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि वीडियो पे ज्यादा व्यूज हो वो ट्रेंडिंग में ना जाए, लेकिन किसी वीडियो पे कम भी व्यू हो तो वो ट्रेंडिंग में जा सकता है। उसके बाद व्यूज फ्रॉम यूट्यूब एड आर नॉट इंक्लूडेड, मतलब कि अगर आप यूट्यूब पे एड चलवा के सोचते हो कि मैं अपने वीडियो को ट्रेंडिंग में भेज दूँ तो ऐसा नहीं होता है, वो काउंट नहीं होता है। उसके बाद वी डोंट एक्सेप्ट पेमेंट फॉर प्लेसमेंट ऑन ट्रेंडिंग एंड हैव नो बीएस, मतलब कि हम पैसे नहीं लेते हैं वीडियो को ट्रेंडिंग में डालने के लिए, ये YouTube हमें बता रहा है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो YouTube बता रहा है कि अपने वीडियोस पे आप व्यूज कैसे बढ़ा सकते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मतलब काफ़ी लोगों ने YouTube से पूछा है कि आखिर हमारे व्यूज़ कैसे बढ़ेंगे, किस तरीके से हम वीडियो में व्यूज़ बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि YouTube यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता रहा है जिससे कि आप जो है YouTube पे व्यूज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, हियर आर सम टिप्स टू हेल्प अट्रैक्ट न्यू व्यूअर टू योर चैनल, मतलब कि नए लोगों को अपने चैनल तक लाने का, लोगों को अपनी वीडियो दिखाने का यहाँ पे क्या जो है तरीका है। सबसे पहली चीज़ YouTube यहाँ पे कहता है, कोलेबोरेशन, कनेक्ट विथ अदर क्रिएटर्स, लर्न न्यू स्किल एंड फाइंड न्यू व्यूअर्स, मतलब YouTube यहाँ पे कह रहा है कि आप अगर नए लोगों से कोलेबोरेट करते हैं, मतलब कि यूट्यूबर से कोलेबोरेट करते हैं तो आपके यहाँ पे न्यू व्यूअर्स जुड़ेंगे, न्यू यहाँ पे जो विजिटर्स आएंगे आपके चैनल पे। लेकिन यहाँ पे YouTube आपको ये कह रहा है कि आपके जो व्यूअर हैं, मतलब कि आपके जो यूट्यूबर हैं वो आप ही के कैटेगरी के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा टेक का चैनल है तो मैं जो है कुकिंग वाले के साथ अगर कोलैबोरेट कर रहा हूँ तो कुकिंग वाले लोग मेरे चैनल पे आएंगे, नहीं। अगर मेरा चैनल टेक का है तो मुझे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चैनल से ही कोलैबोरेट करना होगा, तभी उसके व्यूअर जो है मेरे चैनल तक आएंगे। पहली चीज़ ये कहता है। दूसरी चीज़, लाइव स्ट्रीम, इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर लाइव स्ट्रीम देन इनेबल यूट्यूब लाइव टू कनेक्ट विथ योर फैंस इन रियल टाइम, मतलब कि अगर आपका लाइव ऑन हो जाता है तो कोशिश करें कि लाइव ज़्यादा से ज़्यादा आए, जिससे कि आप अपने ऑडियंस से रियल टाइम में कनेक्ट हो सके, रियल टाइम में आपकी बात हो सके, जिससे कि ऑडियंस आप पे भरोसा करेगी, आपको जो है देखेगी, आपके बातों को सुनेगी। दूसरी चीज़ ये कह रहा है। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये कह रहा है, प्योर योर चैनल स्ट्रेटेजिक चेंज इन योर कॉन्टेंट कैन सेट अप फॉर सक्सेस, मतलब कि यहाँ पे ये कह रहा है कि अ स्ट्रेटेजिक चेंज इन योर कंटेंट, मतलब कि आपका अगर वीडियो नहीं चल रहा है किसी कैटेगरी पे तो आप अपने कंटेंट को थोड़ा चेंज कीजिए, कुछ अलग यूज़ कीजिए, कुछ अलग उस पे जो है बनाइए, जिससे कि आपको सक्सेस मिलने की आशा है। कोशिश करें कि अलग अलग चीज़ों पे यहाँ पे जो है आपको ट्राई करना पड़ेगा। उसके बाद, स्टार्ट अ सेकेंडरी चैनल टू एक्सपेरिमेंट विथ न्यू फॉर्मेट विदाउट लूजिंग योर व्यूअर, मतलब कि YouTube यहाँ पे आपको ये भी कह रहा है कि आप जिस चैनल पे काम कर रहे हैं उसके अलावा एक और चैनल आप बना लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके की वीडियो चल रही है। हो सकता है कि आप जो मेन चैनल आपका है उसके अलावा अगर आप एक और चैनल बनाते हैं उस पर कुछ काम करते हैं तो वो चैनल आपका हो सकता है कि चल जाए, ऐसा YouTube कह रहा है। लेकिन नए व्यूअर्स जो नए जो क्रिएटर्स होते हैं उनको एक ही चैनल पे फुर्सत नहीं मिलती है तो वो दूसरा चैनल बनाए काम कैसे करेंगे, और अगर एक्सपेरिमेंट करना ही होगा तो हम अपने पहले चैनल पे ही क्यों नहीं करेंगे, दूसरे चैनल पे क्यों करेंगे। तो यहाँ पे YouTube का लास्ट वाला जो ये फॉर्मेट है ये थोड़ा मुझे अलग लग रहा है। आपने जो चैनल बनाया है उसी चैनल पे आप एक्सपेरिमेंट करें, उसी चैनल पे अलग अलग तरीके की वीडियो बनाएं, हमें ज़रूरी नहीं है कि दो चैनल बना के हमें एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ऐसा YouTube कह रहा है कि आप कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं YouTube के जो YouTube आपको समझाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है। तो इन पॉइंट्स के साथ अगर आप काम करते हैं तो मे बी आपके YouTube चैनल पे कुछ ग्रोथ हो, वीडियोज़ में ग्रोथ हो, व्यूज़ बढ़ें, तो इस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो की जानकारी पसंद है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।